ये तस्वीरें की बात है। क्वेश्चन बाद क्वेश्चन बाद ठीक है जी। ये रोमन में नीचे हमने लिखा है दुनिया मौसमियाती तब्दीली की जद में, ठीक है जी। और इसका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है मेरे कलीग तनवीर साहब जो है वो पूरा करेंगे। सर इसका टाइटल दिया है हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज अमंग द कंट्रीज दैट हैज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग। ये यहाँ तक आएगा मेरे ख्याल में 100 से कम ही है हम पहले। अब 100 से कम है? नहीं कम से कम। हाँ ये सारा जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। टाइटल जो है वो 100 अल्फाज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें लिमिट 100 की होती है, ठीक है। 100 नहीं है वो, नहीं है वो मार्कर से लिखे हैं। बड़ा सवाल यार, देखो तो ओके चलो करिए। हम करिए तो आपका डिस्क्रिप्शन लगता है, ये टाइटल नहीं लगता इतना लंबा। अच्छा चलो छोड़े आगे नहीं होता क्योंकि वो अल्फाज में वो तसी करा दीजिए। ये डिस्क्रिप्शन है जब हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं, प्लीज इसका हम खुलासा बताना चाह रहा हूँ मैं कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत मसले में है। मतलब एक ये एक आलमी मसला बनकर उभर रहा है, तो पूरी दुनिया की जो कुवतें हैं या ममालिक हैं वो क्लाइमेट चेंज से किस तरह निपटा जाए, इससे इसमें लोगों को किस तरह एंगेज किया जाए, कम्युनिटीज के को किस तरह एंगेज किया जाए, और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको किस तरह कम किया जाए, उसके लिए कोशिशें कर रही है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि ये कोप भी चल रही है उसके करने। और पाकिस्तान के हवाले से इसमें हमने बताया कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर मौसमियाती तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो है वो ज़्यादा है। ख़ासतौर पर हम जब इसके नॉर्थ में आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आ जाते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान चूँकि पहाड़ी इलाका है, साल के चारों जो मौसम है उसमें यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ास्टर्स रोनुमा होते हैं, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी ग्लाब की शक्ल में, कभी लैंड इरोजन की शक्ल में, कभी जी बताए। ठीक है जी, अभी ये टैक्स हमारी कोलीग बताएंगी इनको जो है वो इस टॉपिक के हवाले से कौन कौन से हमने देखे हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग, पोल्यूशन, वाटर रिसोर्सेज, फ्लडिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फॉसिल फ्यूल एमिशंस, हुसैन ग्लेशियर पर ग्लेशियर, शीश पर ग्लेशियर, बतौर ग्लेशियर, टूरिज्म इफेक्ट, वाइल्ड लाइफ, डिफोरेस्ट्रेशन, स्नोफॉल, हेवी रेन, उत्तर ग्लेशियर। पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट ग्लेशियर रिवर, टूरिज्म, वाटर डिस्ट्रक्शन, ओके। इसके अलावा जी हमने ये इंग्लिश में हैशटैग लिखे थे उसके साथ हाँ वो भी पढ़ लें जल्दी से सिर्फ एक चीज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जो मुझे लगा दैट वाज इन द टाइटल, ठीक है, लंबा था। दूसरा हाँ दूसरा जो है कोई बात नहीं ये सेशन है, ये कुछ नहीं। अच्छा एक और चीज सुने, इन्होंने टैक्स बहुत अच्छे दिए हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और इशू बेस्ड, ठीक है। इसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 4-5 हॉलीवुड के उन एक्टर्स का नाम डालें या एक्ट्रेसेस का नाम डालें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो वजीर है उनका भी नाम डाल दिया है, इंटरनेशनल ग्लोबल जो क्लाइमेट पे काम करते हैं उनका भी नाम डाल दिया। सवाल है जी, एक सवाल ये थंबनेल में तस्वीरें लगाई हैं आपने? कौन सी? फोटोशॉप में 3 तस्वीरें लगाई हैं। ये इतनी छोटी लगाई हैं कि वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा देखने वाले को। तस्वीर हमेशा बड़ी लगाओ, तस्वीर से ही लोग आते हैं।
सवाल पूछना है, सवाल पूछना है, बताना नहीं है। हाँ वो सवाल पूछना है और दूसरा आपने हमने YouTube के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनाया, ये YouTube वीडियो में आएगा ही नहीं सर। मेरा टॉपिक का स्पेसिफिक नहीं किया